नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 मई दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में कांग्रेस के इस रणनीति से बीजेपी की बढ़ी बेचैनी। लोगों ने इन्हें बताया बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बताया महिला विरोधी चेहरा। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की रद्द। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कांग्रेस के इस रणनीति से बीजेपी की बढ़ी बेचैनी। बिहार में कांग्रेस ने अगड़ी जातियों जिनमें सबसे अधिक भूमिहार फिर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोगों को अपनी पार्टी और राज्य के सभी सांगठनिक जिला अध्यक्षों के पदों पर जगह देकर अगड़ी जातियों के वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब कांग्रेस के इस रणनीति को देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी के एमएलए और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिहार में अपने से कुछ नहीं करती बल्कि जदयू और राजद के सारे पर काम करती है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का आरजेडी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी सत्ता के लिए किसी के साथ समझौता कर सकती है और कभी भी किसी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इन मुद्दों के तहत नीतीश सरकार को घेरेगी बीजेपी। बीजेपी नीतीश सरकार को घेरने के लिए अब उसी योजना को मुद्दा बना रही जिस योजना को बिहार में बीजेपी ने जदयू के साथ मिलकर शुरू किया था। बता दें कि बीजेपी इसकी शुरुआत नल जल योजना के घोटाले और राज्य में नौकरी के मुद्दे के साथ शुरू करेगी। इसके लिए पूरे राज्य में 30 मई से 30 जून तक बीजेपी कार्यक्रम पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगी। साथ ही केंद्र सरकार के योजना की गिनती जनता के बीच करवाएगी। इन सबके अलावा बीजेपी बिहार सरकार के योजनाओं में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करने का काम भी करेगी। बता दें कि बीजेपी द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत कल से ही होने जा रही है। लोगों ने इन्हें बताया बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने एक सोशल मीडिया सर्वे करवाया जो लोगों के बीच खूब चर्चा में देखने को मिल रहा। दरअसल सर्वे में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद द्वारा 24 घंटे के ट्विटर पोल पर यह पूछा गया था कि शिक्षा की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए थे जिनमें पहले नंबर पर बिहार के शिक्षक और छात्र, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर लाल प्रसाद राबड़ी देवी और चौथे नंबर पर तेजस्वी यादव थे। इस पोल में लगभग 61% लोगों द्वारा बिहार में बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं दूसरे नंबर पर 25% लोगों ने लालू यादव व राबड़ी देवी को। वहीं तीसरे नंबर पर 8% लोगों ने शिक्षक और छात्रों को जिम्मेदार ठहराया और सबसे कम यानी 6% लोगों ने इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव को ठहराया। चुनावी रणनीतिकार ने ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लाने की कही बात। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक दिशा तय करने और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए बिहार के हर जिले के गांव-गांव में जन स्वराज पदयात्रा के तहत जा रहे। इस दौरान इन्होंने बिहार सरकार समेत केंद्रीय सत्ताधारी और यहाँ तक की विपक्षी पार्टियों को भी अपने निशाने पर लिया। बता दें कि बिहार के विकास की हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की हो या प्रशासन की हर मुद्दे पर उन्होंने बड़े ही विभागी के साथ अपनी बातों को रखा। अब इसी बीच उन्होंने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बयान देते हुए कहा है कि अगर मैं नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं तो भरोसा रखिए, बिहार की जनता को भी जिता सकता हूं। इस पूरे अभियान में जनता के बीच से ऐसे लोगों को खोज कर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति बुद्धि संसाधन लगाएंगे और उनको जिता कर लाएंगे। जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति में सुधार आएगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए किया यह दावा। संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियां उद्घाटन समारोह का विरोध कर रही। अब इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने असम के एक दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को अपने निशाने पर लिया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद के नए भवन के निर्धारित उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर राजनीति कर रही। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के सीटों पर दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अगले वर्ष 300 से ज्यादा के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने का दर्जा खो चुकी है और लोकसभा में वर्तमान में उसकी जितनी सीटें हैं वो भी हासिल नहीं कर पाएगी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर चल रही सियासत के कटघरे में फंस गई कांग्रेस की पेच। कांग्रेस और बीजेपी में नए संसद भवन को लेकर बड़ी तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा न करवाकर प्रधानमंत्री द्वारा क्यों करवाया जा रहा, तो वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर अब घेरने में जुट चुकी है। दरअसल बीजेपी अब छत्तीसगढ़ का मामला उठाते हुए सवाल खड़े कर रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा का भूमि पूजन किस हैसियत से करवाया गया। अमित शाह ने कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने राज्यपाल का अपमान किया है। इन मामलों को लेकर संसद भवन पर चल रही सियासत की आग अब छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच चुकी है।
आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जदयू का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले आरसीपी सिंह जदयू को अब अपने निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया था कि यदि सरकार बदली तो इस नए संसद भवन में दूसरा काम होगा। इसी बयान को लेकर बीजेपी में जा चुके आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए देर रात अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने जदयू की मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होने चाहिए। इसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में इस तरह के कार्यक्रम पर हर जगह नीतीश कुमार जाकर उद्घाटन करते हैं, तो यह वे किसके बदले में करते हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र की बात कर रहे हैं तो अपने यहाँ क्यों नहीं लागू करते। वही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किए जाने वाले मामले को लेकर कहा कि ये बहुत सुखद और गर्व की बात है कि सांसद के नए भवन की आधारशिला भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी और उसका लोकार्पण भी उनके द्वारा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कसा तंज। अभी बीते ही दिनों बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का मायावती पूरी तरह से समर्थन कर रही। दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। बीएसपी के इस ट्वीट को देखते हुए अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा है कि लगता है फोन पहुंच गया बहन जी के पास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो मोदी सरकार के बचाव में मैदान में यूपी में गठबंधन की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई। महागठबंधन के लिए माहौल बनाते और सियासी तौर पर सक्रिय होते नजर आए आनंद मोहन। विवादों के बीच जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन सिंह राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। दरअसल वे अलग अलग जिलों के दौरे पर निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की। हालांकि मुलाकात की उन्होंने कोई खास वजह न बताते हुए कहा कि रिहाई के बाद अच्छे से मुलाकात न हो पाने के कारण वे लालू यादव से मुलाकात के लिए आए हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चा यह की जा रही है कि लालू यादव ने उन्हें बिहार की राजनीति को लेकर कोई बड़ा टास्क दिया है। बता दें कि आनंद मोहन अलग अलग जिलों का दौरा कर राजनीति में राजपूत और मुस्लिम वोट के लिए समीकरण बनाने की कोशिश में दिख रहे हैं। साथ ही इस दौरान वे बीजेपी पर हमलावर होते भी नजर आए। उन्होंने बीजेपी के जय श्री राम वाले नारे के जवाब में जय श्री राम की बात भी कही। पटना में आयोजित होने वाली एक बड़ी रैली के लिए उन्होंने लोगों को आमंत्रित भी किया। बता दें कि उनकी योजना रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने की है। सुप्रीम कोर्ट के इन शर्तों के साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले साल यानी 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत देते हुए 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी गई है। बता दें कि जैन को यह जमानत उनके बिगड़ते स्वास्थ्य संबंधित कारणों से मिली है। दरअसल बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और इसी बीच वे बाथरूम में फिसल कर गिर गए। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को इस वजह से तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उन्होंने कई बार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी किया था, लेकिन अब उनके बिगड़ते तबीयत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 42 दिनों की जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जमानत के दौरान उन्हें कई शर्तों का पालन भी करना होगा, जिसके अंतर्गत वे किसी भी मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करेंगे, साथ ही मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे। साथ ही वे ईडी की जांच और तिहाड़ जेल की व्यवस्था या अन्य किसी भी राजनीतिक मुद्दों पर किसी भी तरह की बयानबाजी भी करने से बचेंगे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बताया महिला विरोधी चेहरा। बिहार में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी अक्सर नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने लड़कियों के आरक्षण को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा है कि बिहार सरकार का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की घोषणा 2 साल पहले की थी, लेकिन पिछले वर्ष भी छात्राएं वंचित रह गई और इस वर्ष भी अभी तक राज्य सरकार ने 33% मेडिकल में लड़कियों के आरक्षण का आदेश निर्गत नहीं किया है। उन्होंने मेडिकल सीटों की बात करते हुए कहा कि बिहार में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में MBBS BDS की कुल 1430 सीटें हैं, जिसमें 1121 MBBS और 30 BDS की सीटों पर बिहार सरकार के कोटे के तहत नामांकन होता है। क्या एक बार फिर से सियासत में सक्रिय होंगे लालू यादव के ये खास दोस्त डॉक्टर रंजन यादव? भले ही पाटलिपुत्र से चुनाव हारने के बाद अभी हाशिए पर चले गए हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रंजन यादव लालू के सबसे खास होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में उनका बोलबाला था। यहां तक कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब लालू यादव के बाद रंजन यादव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बात अधिकारी से लेकर कोई लोग सुनते थे। समय के साथ राजनीति ने भी अपना रुख मोड़ा और राजनीति में डॉक्टर रंजन यादव का चेहरा मिटता चला गया, लेकिन अब एक बार फिर से एक विवाह समारोह के दौरान लालू के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुलाकात डॉक्टर रंजन यादव से हुई। एक दूसरे से मिलते ही तेज प्रताप ने रंजन यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। भले ही लोग इसे एक सामान्य मुलाकात मान रहे हो, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो चुकी है कि रंजन यादव एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं।
नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन को यादगार बनाने के लिए जारी होगा यह खास सिक्का। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे सियासी गहमागहमी के बीच अब केंद्र सरकार एक नई घोषणा की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए इस शुभ अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा 75 रुपए के सिक्के जारी किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार यह सिक्का गोलाकार आकार में होगा। यदि सिक्के की संरचना और इसमें मौजूद धातु की बात करें तो इसकी संरचना चतुर्धातु मिश्र धातु की होगी, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता मौजूद होंगे। सिक्के के मुख पर देखें तो अशोक स्तंभ का सिंह सर्च होगा, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। वहीं बाई परिधि पर देवनागरी लिपि में भारत शब्द और दाहिनी परिधि पर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इसका वजन 35 ग्राम रहेगा, जिसे 3800 रुपए प्रति सिक्का की दर से बेचा जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की रद्द। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा करवाए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में बीते ही दिनों एक याचिका दायर होने की खबर सामने आई थी। याचिका में याचिकाकर्ता ने राष्ट्रपति को उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज करते हुए कहा गया कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आगे अदालत द्वारा कहा गया कि ऐसी याचिका दायर करने पर हम जुर्माना भी लगा सकते हैं, गनीमत है कि हम वहाँ पर जुर्माना नहीं लगा रहे। वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल खड़े करते हुए पूछा कि इस जनहित याचिका में क्या जनहित है। अदालत के सवाल पर याचिकाकर्ता द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दे पाने के कारण उसने नई संसद के उद्घाटन से जुड़ी याचिका को वापस ले लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को लेकर अदालत से की यह मांग। राहुल गांधी की जब सांसदी चली गई तो उन्होंने अपने राजनयिक यात्रा के दस्तावेज को भी सरेंडर कर दिए थे। अब विदेश की यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने एक एक साधारण पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC की मांग करते हुए अपना रुख अदालत की तरफ किया है। अब उनके इस मांग को लेकर दिए गए आवेदन पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध जताते हुए उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि आवेदक कोई भी ऐसा कारण नहीं बता पाए हैं जिससे उन्हें 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया जा सके। आवेदक 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी करने की योग्यता नहीं रखता है। उन्होंने अदालत से मांग करते हुए कहा कि कोर्ट को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे सभी मामलों की जांच और विश्लेषण करने के बाद ही उनके पासपोर्ट के आवेदन पर विचार करना चाहिए। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। महादुरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा महादुरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, पंकज कुमार, रवि मोहन वर्मा, सुरुचि कुमारी, मोहम्मद सकर हुसैन, रविशंकर प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नए संसद भवन के विवाद याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है इस पर आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।